Assalamualaikum, I am your chef Shahina Shumail and you are watching Cooking with Shahina. और आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव. और बेसिकली पुलाव जो है हम उसे कहते हैं, लेकिन वो पुलाव नहीं होता है, वो होती है वाइट बिरयानी. तो आज हमारी जो डिश का ऑथेंटिक नाम है उसे आप वाइट बिरयानी उसका नाम होता है, लेकिन आप उसे पुलाव भी कह सकते हैं. और ये पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जो पुलाव बनता है ये वो वाला पुलाव बन रहा है. और ये पुलाव जो है, मतलब मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे कॉल करी कर और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जो आपके घर की तरफ रेस्टोरेंट है ना, वहाँ जो पुलाव मिलता है, मुझे उस वाले पुलाव की रेसिपी चाहिए. तो मैंने सोचा मैं उनको रेसिपी क्या लिख के सेंड करूं, ऐसा करती हूं मैं शो पे भी बना लूंगी और आप लोगों की कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी कि उसे पुलाव कहते हैं या बिरयानी कहते हैं. तो उसे कहते हैं वाइट बिरयानी. और लेकिन मिलता, अब हम जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम वो पूछते हैं आपको पुलाव चाहिए या बिरयानी चाहिए, तो आप लोग कह रहे हैं पुलाव. तो वो पुलाव नहीं होता, वो होती है बिरयानी. और बन रही है आज यहाँ वाइट बिरयानी. और इसके इन्ग्रीडियंट्स क्या हैं, मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इन्ग्रीडियंट्स की तरफ. तो आइए, इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास आज मौजूद हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाफ के जी मैंने चिकन ली है और हाफ के जी मैंने बासमती राइस ली है. पुलाव या बिरयानी जो रेस्टोरेंट्स में जो हम खाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सेला राइस में बनाते हैं, लेकिन बेसिकली जो पुलाव के लिए चावल यूज होता है वो यूज होता है बासमती. और मुझे पर्सनली भी जो है वो बासमती राइस, क्योंकि वो खुशबूदार होता है और सॉफ्ट होता है, तो मुझे अच्छा लगता है. तो मैं यहाँ पर, आप चाहें तो सेला ले सकते हैं. अगर आपने सेला चावल लिया है तो आपने उसको 2 आवर्स के लिए सोक करना है. 2 आवर्स उसकी मैरिनेशन टाइमिंग है. अच्छा जी, तो मैंने यहाँ जो है वो हाफ के जी चावल लिए और उसके बाद चावल लेने के बाद मैंने इसको सोक कर दिया. और बासमती चावल ज़्यादा सोक नहीं होता, 15 से 20 मिनट्स आप सिर्फ चावल को सोक किया करें, ठीक है. और बासमती चावल अगर वाइट वाइट सा आपके पास आ गया है तो आपने क्या करना है, उसको सिर्फ 15 मिनट्स. और अगर थोड़ा येलोइश टोन में, ये चावल की पहचान होती है, जो वाइट वाला चावल होता है वो होता है थोड़ा नया चावल, तो वो कम देर भीगता है, सोक होता है वो कम. मिनिमम आप उसको 15 मिनट्स ही उसको आप भिगोइएगा. और जो थोड़ा येलोइश टोन में जाए उसे आप 20 to 25 मिनट्स भिगो सकते हैं. अच्छा जी, चावल मैंने डिस्कस कर लिए, चिकन मैंने बता दिए. मैं जो है वो बोन्स वाली चिकन यूज़ कर रही हूँ. और बिरयानी वगैरह जब भी हम बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें बोन्स वाली चिकन यूज़ करते हैं, उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़ेदार होता है. अच्छा जी, मैंने थाई का पार्ट लिया क्योंकि मुझे पसंद है और थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो जूस वगैरह होता है और ड्राई नहीं होता वो बनिस्बत आप उसके देखें तो. अच्छा, उसके बाद जो मेरे पास ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मौजूद है मैं वो यहाँ आपको बताऊँगी. मेरे पास यहाँ चिली फ्लेक्स मौजूद हैं. 1 टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है, 1 टेबल स्पून, ठीक है जी. यहाँ पर आपने पिसी हुई लाल मिर्चें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, आपका सारा रेसिपी का कलर यहाँ पर ख़राब हो जाएगा. 1 टेबल स्पून भर के मैंने चाट मसाले का यहाँ लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टी स्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ साथ मैंने 1 टी स्पून लिया है गार्लिक पाउडर. उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर मौजूद है. चिकन पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर चिकन पाउडर आपको नहीं पसंद, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको उसका भी फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप चिकन स्टॉक इसके अंदर ब्रॉथ बॉटल्स में, आप तो मॉल्स में जाएं, आपको इजीली अवेलेबल है. चिकन ब्रॉथ के नाम से बॉटल्स आती हैं, वो कुछ भी नहीं होता, वो इतनी महंगी महंगी उसकी कॉस्ट होती है, सब कुछ होता है, वो सिर्फ चिकन का स्टॉक होता है. तो आप घर में भी बना के स्टोर भी कर सकते हैं. उसको उसकी स्टोरेज की क्या सारी टाइमिंग है, क्या सब कुछ है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी दिन यहाँ बना कर स्टोरेज वाला चिकन स्टॉक मैं आपको सिखाऊंगी. इसके अलावा मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें. वाइट पेपर मेरी हर रेसिपी में जाता है और उसकी क्वांटिटी 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होती है. इसके अलावा मेरे पास यहाँ ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं. आप चाहें तो इसमें चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसमें साबुत भी डाल सकते हैं. और इसके अलावा मेरे पास एक अनियन है बिग साइज़ की, उसको मैंने स्लाइस किया है, दैट्स इट. और मैंने यहाँ लिया है 2 टेबल स्पून केवड़ा. और यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गार्लिक क्लोव्स और अदरक. आप लहसुन अदरक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉप डालूंगी, मुझे अच्छा लगता है चॉप डालना. अच्छा, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं इसको भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाली साइड पर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से नज़र आ जाए. अच्छा, ये मैंने गरम मसाले का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, या 1.5 टेबल स्पून आप इसको कर लें, ठीक है. तो मैंने ये लिया है, योगर्ट ली है मैंने, इसके अंदर 350 ग्राम यानी के तकरीबन जो है वो हमारी 1.5 पाव ये
हो गई है दही इसके अंदर हमने लेंगे। आधा किलो अगर हम चावल ले रहे हैं तो हमने उसमें डेढ़ पाव दही लेनी है और दही में ही ये बनता है, इसी से इसकी खटास आती है। टमाटर हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। बाज़ रेस्टोरेंट्स में मैंने पुलाव खाया तो उसमें एक आध टमाटर कोई कम क्वांटिटी में वो डाल देते हैं, वो ऑप्शनल है, वैसे इसमें ऑथेंटिक रेसिपी में नहीं जाता है, ठीक है। इसके अलावा धनिया पुदीना है और इसका बहुत ज़बरदस्त काम होता है बिरयानी में, पुलाव में, वाइट बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा ये कलर देता है, खुशबू देता है, और जब तक ये ना हो तो आपकी रेसिपी इनकम्प्लीट है। इसके अलावा जो मेरे पास एक प्लेट नज़र आ रही होगी, एक अदद, जिसमें मैंने सारे जो है वो साबुत गरम मसाले लिए हैं। जितने भी आपके घर में मसाले मौजूद हैं ना, साबुत गरम मसाले, वो आपने सारे इसके अंदर डाल लेने हैं। अच्छा, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है, क्यूमिन है मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के, इसमें 1 टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्ची ली हैं, 1/2 टेबल स्पून मैंने लौंगे ली हैं इसके अंदर, बादियान के 2 अदद फूल लिए हैं, 5 से 6 मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची यूज़ करी है, और मैंने तेज़पत्ता लिया है इसके अंदर, और जायफल जावित्री है मेरे पास 1/4 टीस्पून मिक्स है, और उसके अलावा मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये सारे हो गए हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स, और चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब और करते हैं उसको स्टार्ट, क्योंकि आज है काम कुछ ज़्यादा, क्योंकि जब बिरयानी टाइप की चीज़ें बन रही होती हैं तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ें होती हैं। तो हम करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। और जी, एक वॉक में हम बनाएंगे इसका मसाला और एक वॉक में हम करेंगे इसके राइस को बॉईल। अब कर दिया मैंने अपनी स्टोव को ऑन, और एक तरफ मैंने जो है वो वाटर बॉईल करने रख दिया है, पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही पानी बॉईल होगा हम राइस को इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, पानी बॉईल करने से पहले हम इसमें क्या चीज़ डालते हैं, सबको पता है हम सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, तो ताकि हमारा वाटर अच्छे से सॉल्टी सा हो जाए, हमारे राइस बहुत अच्छे से। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून अराउंड सॉल्ट ऐड करा है मैंने इसके अंदर, और सॉल्ट मैं भी यही रखूँगी क्योंकि मुझे बाकी भी अपनी चीज़ों में शामिल करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपनी प्याज की तरफ, और प्याज इसके अंदर हमने ब्राउन करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल ले रही हूँ, और मैं 1/2 कप अराउंड ऑयल ले रही हूँ, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल का मैं आपको हमेशा मेजरमेंट बताती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं ना, तो हम उन्हें थोड़ा समझ लें ताकि हमें आसानी हो जाए, हमें कि हमें प्रॉब्लम ना हो कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं। जब आपने रेशो होता है उनका एक, जब आपने 1 kg राइस बनाने, कोई से भी राइस हो, किसी भी दुनिया के कोई से भी, दुनिया के तो नहीं कहेंगे क्योंकि बॉयल वगैरह राइस में तो नहीं जाते, मतलब बिरयानी के लिए ले लें आप, पुलाव के लिए ले लें, या हम कोई तहारी बना रहे हैं घर में, या आलू का कुछ बना रहे हैं, मतलब चावल ऐसे यूज़ करें देसी जो हमारे खाने, तो उसके अंदर 1 कप जो है वो अराउंड 1 kg में जाता है ऑयल, और 1/2 कप जो है वो जाता है 1/2 kg के उसमें। 1/2 कप ऑयल जाएगा 1/2 kg राइस में, 1 कप ऑयल जाएगा 1 kg राइस में। टोमेटो राइस बना रहे हैं उसकी भी यही होती है, और वो बना रहे हैं आप लोग आलू की तहारी वगैरह बना रहे हैं उसका भी यही रेश होता है, सेम रेश होता है। अच्छा, ऑयल मैंने गरम करने रखा है, थोड़ा सा हमारा ऑयल गरम हो जाए ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अपनी ये प्याज को ब्राउन करेंगे। जो कि मेरे पास एक अदद बिग साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस्ड में कट किया था, और कट करने के बाद मैं अब वेट कर रही हूँ ऑयल गर्म होने का। अच्छा, इसके अलावा साथ साथ ही जो है, आपको पता है वीनस एच टीवी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ हमारी डेली की एपिसोड्स अपलोड होती हैं, कुकिंग विद शाहिना जो है वो प्रोग्राम का नाम है, आप सर्च करें, जाएं और हमारी रेसिपीज़ देखें, और कोई चीज़ मिस हो जाए, कोई मसला हो, कोई रेमेडी पूछनी हो, कोई परेशानी हो, तो शेफ़ शाहिना को कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल नंबर हमारी स्क्रीन्स पे आ रहे होते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और हमसे कर सकते हैं फरमाइश, हमने आपको पूरा दिया है इसका इख्तियार। अच्छा जी, यहाँ जो है वो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है बड़े ही मज़े से, और मैंने बताया था आज की रेसिपी जो है मैं क्यों बना रही हूँ, आज की रेसिपी जो मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपने सर को, और जो हमारे जो उस्ताद होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनका एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और जब हम पढ़ के भी निकल जाते हैं अपनी मतलब दूसरी लाइफ में, हम बड़े हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो जो हमारे उस्ताद होते हैं हम उनको भूलते नहीं हैं, क्योंकि हम उनसे इतना कुछ सीखते हैं कि हम उनको भूल ही नहीं सकते। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं जिसमें हम माहिर हो जाते हैं तो हमें याद आता है ये चीज़ हमारे उस्ताद ने हमें सिखाई थी, तो उस्ताद का जो एक टीचर का जो एक एहतराम है,
और उनकी एक रिस्पेक्ट है, तो हमेशा जो है ना अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। और जो भी वो बातें करते हैं ना, मतलब वो रैंडमली कुछ भी कह देते हैं, मतलब बातें होती हैं ऐसी नहीं होती, लेकिन वो आपको सबक दे नहीं रहे होते, लेकिन वो आपको आगे की बातें बता रहे होते हैं। तो वो बातें जो होती हैं ना, जब आप समझदार हो जाते हैं तो फिर वो आपकी समझ में आती हैं कि यार ये तो हमारे टीचर ने ये बात कही थी और ये बात तो बिल्कुल ठीक कही थी उन्होंने। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। और मैं क्योंकि आपकी फैमिली में हो गई हूँ अब शामिल, और आप लोग सब हो गए मेरी फैमिली में शामिल, तो मैं करती रहती हूँ आपसे शेयरिंग, और आप भी किया करें मुझसे शेयरिंग, कॉल करा करें और बताया करें कि क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मज़ेदार सा हो रहा है, बोरिंग सा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो सब मुझसे शेयर किया करें। अच्छा जी, ऑयल हो गया है अब गरम और इसके अंदर से उठने लगा है धुआं, तो अब हम डाल देंगे प्याज, ऐसा ना हो कि हमारी प्याज डालते ही जल जाए। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज यहाँ ऐड कर रही हूँ, और ये स्पून ले लेंगे जी जनाब। तो ये हम कर रहे हैं प्याज को ब्राउन, अच्छा जी राइस भी मैं अब इसमें डाल देती हूँ ताकि साथ साथ राइस भी बॉयल हो जाए, ऐसा ना हो कि राइस हमारे रह जाए। तो अब जो सिमरिंग पॉइंट होता है वो उस पर आ चुका है, और बस इसमें जो है अब वो बबल आने की देर है, थोड़ा सा मैं 1 से 2 मिनट और इंतज़ार करूँगी और अपने राइस इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो मैं इसका जो एक्सेस वाटर है उसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। जी तो मैंने इसका एक्सेस वाटर डिस्कार्ड कर दिया, और साथ ही मैं एक स्पून भी ले लेती हूँ जिसकी मदद से मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। जी तो अब यहाँ पर मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला था, सॉल्टेड वाटर था, दैट्स इट। और अब मैं ये राइस डाल रही हूँ। स्टेपिंग है इसकी बिरयानी की, लेकिन बहुत ही ईजीएस्ट वे में बन जाती है। मिक्स कर ले और इसको हम बॉईल करने हमने रख दिया है। अच्छा प्याज जो है वो हमारी ब्राउन हो रही है, इस तरीके से। जब तक हमारी प्याज हो रही है मुझे करनी है धनिया पुदीना और लहसुन और अदरक की जो है चॉपिंग करनी है, तो हम आ जाते हैं मेरी चॉपिंग की तरफ। तो चिकन मैं बैग पे रख देती हूँ, और ये प्लेट भी कुछ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए काम करने के लिए। आ जाते हैं कटिंग की तरफ, चॉपिंग करेंगे हम। गार्लिक है मेरे पास, मैं इनको रफली सा चॉप करूंगी। ठीक है जी, रफ सा मैंने गार्लिक चॉप किया है, बहुत ज़्यादा फाइन की इसमें नीड नहीं है। अच्छा मैं प्याज भी देती हूँ साथ साथ, क्योंकि ये एकदम से हो जाती है जी। तो ले लूँ मैं, और जो है प्याज को देख रहे हैं हम,
इस तरीके से। साथ साथ आपने प्याज का बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा ब्राउन हो गई तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। जी, तो ये प्याज ब्राउन हो रही है। अच्छा, आ जाते हैं हम अपने राइस के जो है वो बॉइलिंग करने, मैंने रख दिए थे। चॉपिंग मैं कर रही थी, मैं जिंजर को भी साथ साथ चॉप कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये जिंजर गार्लिक मेरे पास चॉप्ड हो रहा है साथ साथ, और प्याज ब्राउन हो रही है। जब तक टाइम हो गया एक ब्रेक का, सो हम लेते हैं ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करना है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून यू। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्या कर रहे थे, हमने प्याज को किया था ब्राउन, और प्याज हो गई है हमारी ब्राउन। और अब हम जो है वो बाकी के प्रोसेस की तरफ आते हैं, और मैं चिकन ले लेती हूँ जो मैंने बैग पे रखी थी। जी जनाब, तो चिकन मैंने ले ली है यहाँ पर, और मैं अब इसमें डाल रही हूँ अपने चिकन के पीसेस। गरम गरम ऑयल है इसमें, मैं थोड़ी सी इसके अंदर सबसे पहले तो मैं ये सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ, ठीक है। सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल करी हैं, बाकी का मसाला गरम मसाला भी शामिल नहीं करा, वो जिस तरह मैं करूँगी आपको बताती चलूँगी। साथ साथ जिस तरह से मैं चिकन को यहाँ पर जो है वो शामिल कर रही हूँ, और ये हाफ के जी चिकन है मेरे पास, थाई का मैंने पार्ट लिया है इसके अंदर। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, ये देखें आप इस तरीके से, और फ्लेम को थोड़ा सा मैं अब हाई कर दूंगी, क्योंकि ऑयल हो गया था हमारा थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि जब मैंने प्याज निकाली थी तो फ्लेम को लो कर दिया था। अच्छा, साथ साथ जो है मैं देख लेती हूँ, धनिया पुदीना भी मुझे इसमें ऐड करना होगा। तो चावल हमारे किस हद तक हो गए हैं, और ये तकरीबन हमारे चावल जो है वो हो रहे हैं, और मैं अब इसमें क्या करूँगी चावलों में, आप देखें, मैं इसके अंदर हाफ केवड़ा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि 1-2 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास केवड़ा मौजूद है, मैं उसमें से 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अराउंड मैंने इसके अंदर केवड़ा ऐड किया है, केवड़ा वाटर, ज़ाफ़रानी केवड़ा लिया है मैंने। अच्छा जी, ये चिकन हमारी जब तक फ्राई हो रही है, और अब मैं आ जाती हूँ ज़रा जिंजर गार्लिक पे। जिंजर गार्लिक जो था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ साथ इसके चिकन के फ्राई हो जाएगा। और अब मुझे जो है वो पुदीने के पत्ते थोड़े से इसके अंदर से तोड़ने हैं, क्योंकि ये काम बिरयानी का जो होता है वो बड़ा झटपट हमें करना होता है। तो ये मैंने पुदीने के पत्ते तोड़े हैं, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये धनिया है, धनिया चॉप किया है मैंने, रफ चॉप किया है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप नहीं किया। अच्छा, अब मैं ये जो पुदीना है ये अपने इसमें पानी में जिसमें चावल बॉयल हो रहे हैं, क्योंकि जब आपके चावल बिल्कुल उतारने से पहले आपने डालना है, तो अब ये तकरीबन मेरे चावल कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर अब ये धनिया भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। धनिया पुदीना मैंने ऐड किया है, आ जाते हैं साथ साथ हम अब इसकी तरफ। चिकन और अदरक लहसुन फ्राई हो रहा है, और फ्लेम को मैंने भी थोड़ा सा लो कर दिया, क्योंकि मैं चावलों को देख लूँ। जी, तो चावल जो है वो हमारे इसके अंदर खुशबू आ गई है, अच्छा जी। अभी चावल कितने हद तक हो गए डन मैं चेक कर लेती हूँ। चावलों में अभी कसर बाकी है, एक करनी बाकी है सिर्फ इसमें। साथ साथ मैं इसमें कुछ ये ग्रीन चिलीज भी ऐड कर रही हूँ, खुशबू के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप तोड़ के डाल दें, लेकिन मैं साबुत डाल रही हूँ इसमें। और मैं अब इसको स्ट्रेन करूँगी। ये 4 अदद हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। अच्छा जी, साथ साथ इसको भी हम हिलाते जाएंगे, ऐसा ना हो कि हमारा लहसुन अदरक जो हमने डाला है इसके अंदर वो ख़राब हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं।
एक से दो मिनट बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, सिर्फ एक से दो मिनट। अच्छा जी, इसकी तरफ आ जाते हैं हम। अच्छा, मैंने क्या करना है, ये दही है मेरे पास और मैं ले लेती हूँ बाउल। इसकी अभी हमें नीड नहीं है तो इसको हटा देते हैं। और दही ली है मैंने, ठीक है, डेढ़ पाव तकरीबन मेरे पास यहाँ दही थी, 350 ग्राम। और मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर, दही के अंदर मैं जो है वो वाटर ऐड करूँगी, जितनी आपकी दही है उससे आपने आधा इसके अंदर पानी शामिल करना है। अच्छा जी, साथ साथ आ जाते हैं हम चावलों को देख लेते हैं। चावल हमारे बॉयल हो गए और अब हम इसको करेंगे स्ट्रेन। मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। जी, तो बिरयानी का एक स्टेप हो गया है कंप्लीट, स्टोव को हमने ऑफ कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। और अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब मैं अपनी फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पे हाई करूँगी और दही में जो मैंने पानी डाला था, मैंने आपको बताया था जितनी आपकी दही है उससे आधा आपने इसमें, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो आधा आपने इसमें पानी शामिल करना है। चिकन हमारी जब तक फ्राई हो रही है तब तक मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, फ्लेम को मैंने अभी ऑफ किया, हल्का किया था क्योंकि मुझे इसमें मसाले ऐड करने थे और दही ऐड करनी थी। दही जब भी आप ऐड करें आप लो फ्लेम पे ऐड करिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं करिएगा, दही फट जाएगी वरना आपकी, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन अराउंड मैं 1 टेबल स्पून यहाँ ऐड करी हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो ये सॉल्ट मैंने ऐड किया है। अच्छा, सॉल्ट जो है वो मैंने चावल भी बॉईल करे थे तो इसलिए मैंने थोड़ा कम डाला है। चिकन पाउडर जब भी आप यूज़ करें तो आपने क्या करना है, हमेशा सॉल्ट कम रखना है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, आप वो भी स्टॉक ब्रॉथ यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पे, और इस स्टेज पे जो है आप जो है वो क्यूब जो आती है चिकन वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वाइट पेपर है मेरे पास, मैंने वाइट पेपर इसके अंदर ऐड करा है। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है। साथ साथ मेरे पास चाट मसाला है, बहुत अच्छा किरदार अदा करता है फ्लेवरिंग को उठाने के लिए वाइट बिरयानी में, पुलाव में। चाट मसाला 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके अलावा जो है वो गार्लिक पाउडर मेरे पास मौजूद है 1 टीस्पून, आई एम गोना ऐड दिस, एंड देन क्रश चिली 1 टेबल स्पून। इसके अंदर वो वाली लाल मिर्च नहीं जाती है, इसके अंदर क्रश चिली ऐड होती है। अच्छा, आप अब मैं इसके बाद जो है वो गरम मसाले जो मेरे पास मौजूद हैं सारे के सारे तमाम, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तेज़पत्ता, ज़ीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, क्यूमिन 1 टेबल स्पून। काला ज़ीरा जो है वो नहीं जाता इसमें पुलाव में, वो बिरयानी में जाता है जो नॉर्मल वाली कराची बिरयानी होती है। अच्छा, ये काली मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं मैंने, लौंगे शामिल की हैं, बादियान फूल शामिल किए हैं, हरी इलायची हम शामिल कर चुके थे, जायफल, जावित्री एंड दालचीनी, ये तमाम जो गरम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसका रीकैप कर दूंगी, कोई चीज़ जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ तो ऐसा ना हो आप लोगों से जो है वो मिस हो जाए, तो मैं रीकैप करूँगी अभी, बेफिक्र रहें। और अभी तक मैंने सिर्फ इसमें मसाले ऐड करे हैं सारे तमाम। अच्छा जी, गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है अभी, गरम मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी और ये हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे इसको मसाले में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा दही वाला पानी है, दही वाला पानी जो कि अब दही बन चुका है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। वाइट बिरयानी में मैंने ये दही वाला पानी ऐड किया है। देखें, अब दही मेरी फटी नहीं है, अगर मेरी हाई फ्लेम होती तो इस दही की शक्ल कुछ अलग ही आती, ठीक है जी। इसको मैंने मिक्स किया था, थोड़ा सा मैं इसमें वाटर और डाल रही हूँ। ये देखें, शामिल कर दिया इसमें,
तकरीबन तमाम काम हमारा हो गया है और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कुक करेंगे। चिकन को गलाएंगे हम इसके अंदर। अच्छा, आप लोग अगर आलू पसंद करते हैं तो आपने आलू जो है वो बॉईल करके, बॉईल करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने। जब चिकन हमारी 3-4 डन हो जाए तो आप उसके बाद आलू इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चिकन को कुक करेंगे। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको कुक करूंगी ताकि हमारी चिकन कच्ची नहीं रहे। अच्छा, तकरीबन थोड़ा सा जो केवड़ा है, मैं इसमें हाफ केवड़ा जो है इसमें अभी शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए। और जो है पुलाव में मेन किरदार जो है वो हमारे केवड़े का भी होता है और बाकी का केवड़ा जब हम लास्ट में करेंगे, जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, साथ साथ मैं इसको कवर कर दूँगी और कवर करके हम इसको 15 मिनट्स के लिए यहाँ पर कुक करेंगे। अच्छा जी, चावल हमने डन करके रखे हुए, प्याज हमारी ब्राउन हुई हुई है, थोड़ा सा धनिया पुदीना इसके अंदर मैं और डालूंगी, तो जब मैं डालूंगी साथ साथ आपको बताऊंगी। अच्छा, अब मुझे करनी है अपनी ग्रीन चिलीज को चॉप्ड, तो आ जाते हैं हम अपनी ग्रीन चिलीज की चॉपिंग की तरफ। अगर आप स्पाइस लेवल थोड़ा सा लो पसंद करते हैं तो आप इसमें साबुत डाल दें, क्योंकि जो जिनको खानी होगी फिर तो वो क्या करेंगे, वो उसको तोड़ के खा लेंगे। और अगर आप चॉप्ड करके डाल देंगे, स्पाइस लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बच्चे वगैरह जो हैं उनको खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, आ जाते हैं हम इसको, बोर्ड को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं और अब करते हैं हम चॉप्ड ग्रीन चिलीज और ये हम इनके रिमूव कर रहे हैं इसका रूट पार्ट। जी, चॉप्ड करेंगे हम साथ साथ, चॉपिंग करेंगे अब हम ग्रीन चिलीज की। पुलाव जो होता है, जो हम इंस्टेंट पुलाव बनाते हैं, जो डेली वालों का स्पेशल पुलाव होता है, उसमें मिर्चें नहीं जाती हैं। और पुलाव का मकसद ही यही है कि वो विदाउट स्पाइस होगा, उसमें सिर्फ गरम मसाले वगैरह होंगे। लेकिन जो वाइट बिरयानी होती है उसमें स्पाइस लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने उसमें क्रश चिली भी ऐड करनी है और इस तरह से चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। तो ये इसका वाइट बिरयानी का एक फ्यूजन है। ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चॉप की हुई है, इसको मैं मज़ीद बिल्कुल फाइन चॉप करूँगी ताकि किसी के भी ये मुँह में ना आए। आप चाहें तो इसको पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे फ्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको पहले से भी काट के नहीं रखूँ, मैं आपके सामने सामने चॉपिंग करूँ और दैट्स डाल दूँ। फाइन चॉप्ड मैंने ये कर दी है। जी, हो गई है फाइन चॉप हमारी ग्रीन चिलीज और अब हम इसको देख भी लेते हैं साथ साथ। और बहुत प्यारा इसकी कलर आ रहा है, बिल्कुल जो आप देखेंगे वाइट बिरयानी जब तैयार होगी तो बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट वाली बिरयानी होगी। और आज शेफ़ शाहीना ने रेस्टोरेंट वालों का ये राज जो है वो ज़ाहिर कर दिया है, बिल्कुल जो है वो ये राज अब राज नहीं रहा है।
कि वो किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि बिरयानी के तो पैकेट्स वगैरह इतने आ रहे होते हैं, तो आप लोग उससे भी देख के सीख लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन ये वाला जो राज है ना, ये आज अफशा हो गया है जी। तो यहाँ चली गई है चॉप्ड ग्रीन चिली, और जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि ग्रीन चिली भी अच्छी सी इसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाए और अपना फ्लेवर और स्पाइस लेवल छोड़ दे जी। तो यहाँ ये कुक्ड हो रहे हैं, साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा जो है इसके अंदर ये कोरिएंडर जो है, फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया, इसको मैंने चॉप करना है जी। फ्रेश कोरिएंडर है, मैं इसको चॉप कर रही हूँ और बहुत फाइनली मैं इसको चॉप कर रही हूँ अगर मैं इतना फाइन चॉप जो है ना अपने राइस बॉईल करते हुए करती ना, तो उससे पता है क्या होता, उससे वो सारा बुझ जाता, और हमने उसको बुझाना नहीं था, उसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखना था, इसलिए हम लास्ट मोमेंट पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें जो उसके अंदर ऐड करते हैं ताकि उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहे इस वजह से। और अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइन करके छोटा छोटा सा हमने काट के डाल दिया तो वो सारा बुझ जाएगा और वो निकल जाएगा उसमें। और इसके साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का, सो लेते हैं ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक, और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और बन रही है आज यहाँ वाइट बिरयानी। और अभी तक हमने तमाम काम जो है वो अपने बिरयानी के डन कर लिए हैं, और मैंने इसको कुक कर लिया है 15 मिनट्स। आपने इसकी कुकिंग टाइमिंग देनी है क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, और ऐसा भी नहीं करना आपने इसको बहुत ज़्यादा टेंडर कर देना है, ओवर कुक कर देना है, और ऐसा भी ना हो कि अंडर कुकड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो। अच्छा, मैंने जाने से पहले जो है वो धनिया जो है वो चॉप किया था, और अब क्या करूँगी मैं इसमें लेयरिंग करूँगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें कितना वाटर बाकी है और कितना नहीं बाकी है वाटर जी। तो आ जाते हैं, और वाटर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बाकी है जितना हमें नीड नहीं है, और मैं थोड़ा सा इसका वाटर ड्राई करूँगी, तो मैं इसका हाई फ्लेम पे ड्राई करूँगी, ठीक है। सम टाइम आपके साथ ऐसा हो तो आप यही करें, फ्लेम ये इसका कवर हटा दें, ताकि अगर कवर ढका हुआ होगा तो चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर कुक्ड हो जाएगी, तो इसका कवर हटाएं और इसका जो जो है मॉइस्चर है वो रिमूव करें। अच्छा, जब तक जो है मैं अपने ये पुदीने के लीव्स भी निकाल लेती हूँ, और पुदीने के मैंने आपको हमेशा बताया है, कोशिश करें कि जो है आप साबुत लीव्स जो होते हैं वो डालें, इसको चॉप्ड नहीं करें, इसको कट नहीं करें, इसके पत्ते तोड़ें और इसके अंदर शामिल कर लें। जी जनाब, तो यहाँ धनिया भी चॉप्ड हो गया है, पुदीना भी चॉप्ड हो गया है, ब्राउन प्याज रेडी है। अच्छा, गरम मसाला पाउडर मैंने नहीं डाला था, और मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ कि गरम मसाला पाउडर आप लोग कोशिश करें हमेशा जो है वो गरम मसाला पाउडर जब लास्ट स्टेज हो, जब आपकी रेसिपी डन होने वाली हो, उस स्टेज पर आप इसको डालें। तो 1.5 टेबल स्पून मेरे पास ये गरम मसाला पाउडर है, और इसका बहुत ख्याल रखें, कोई भी डब्बा उठा के मॉल से ना ले लें, और जो है वो आपने यूज़ करना अपनी रेसिपियों में, इसका मेन किरदार होता है। कोशिश करें गरम मसाले, तमाम गरम मसाले घर में लें, उसको एक वॉक लें, उसमें उसको हल्का सा रोस्ट करें, सिर्फ 1 से 2 मिनट, दैट्स इट। आपने उसका कलर चेंज करने तक रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है आपको कि उसमें हल्की सी खुशबू आ जाए। देखें, वाटर इसका बिल्कुल खुद ही गायब हो गया है अब, और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें लेयरिंग करूँगी, और सबसे पहले लेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेयरिंग के लिए डालेंगे इसके अंदर ये ब्राउन प्याज। कितनी मज़ेदार सी हमारी ब्राउन प्याज हुई है, और मैं जो है ना इसको थोड़ा सा ऐसे भी खा लेती हूँ। आज जो है मैं अपने भी राज अफशा कर रही हूँ, और रेस्टोरेंट्स वाले के भी जो है वो राज अफशा हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ा ख़तरनाक काम हो रहा है। अच्छा जी, धनिया जा रहा है इसके अंदर, धनिए की लेयर आ गई, फर्स्ट लेयर हमने करी है ब्राउन प्याज की, सेकंड धनिए की, और थर्ड वन हमने करी है यहाँ पर पुदीने की लेयर। ये सारी लेयरिंग हो गई है, पोट में हटा देती हूँ यहाँ से।
और इसके साथ ये जो हमारे 110% डन हुए हुए राइस थे, अगर आप लोगों से हैंडलिंग नहीं होती है तो आप एक करनी छोड़ सकते हैं, और मुझे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं फुल डन कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो मैं अब इसके अंदर ये चावल ऐड कर रही हूँ और मैं इसकी ये लेयर लगा रही हूँ चावलों की। फ्लेम बिल्कुल, आपने जब भी आप लेयरिंग करें आपने फ्लेम को लो रखना है। और अब यहाँ पर ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि धनिया पुदीने का जो कलर है, इसको मैं थोड़ा सा अपने पास कर लेती हूँ यहाँ, ताकि जो है वो डर कर लेते हैं गिरे नहीं चावल उठाने में। और बिल्कुल अलग अलग चावल हैं, चावल बॉईल करते हुए कभी मसला हो कि चावल चिपक जाते हैं, चावल जुड़ जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो विनीगर ऐड कर लें, या 1 टीस्पून विनीगर ऐड कर लें, तो आपके चावल नहीं जो है वो टूटेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे इसकी हैंडलिंग हो जाती है, अलग अलग रहते हैं, जुड़ते नहीं हैं, तो मैं जो है वो डायरेक्ट करती हूँ। लेकिन आप लोग जो है बिगनर्स भी हैं बहुत सारे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं हो पता, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं। ये फुल डन राइस थे, खुशबू आ रही है बड़े मज़ेदार सी धनिया पुदीने की। देखें ग्रीन चिलीज तक का जो है वो कलर ख़राब नहीं हुआ है, अगर आप पहले से डाल देंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगी, ये सॉगी हो जाएंगी और वाटरी हो जाएंगी, तो आप जो है लास्ट मोमेंट पे डालिएगा इसको हमेशा। ये तमाम के तमाम भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हो गया है डन, लेयरिंग कंप्लीट हो गई है हमारी, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये केवड़ा अराउंड 1 टेबल स्पून। इसका कवर है ये, इसको हम कवर कर देंगे, और यहाँ हमने इसको कवर किया है। अच्छा थोड़ा सा ये मैं ऊपर टॉप गार्निशिंग में यूज़ करूँगी, तो मैं इसलिए अभी इसको यहीं रख रही हूँ। और हम अब इतनी नीट कर देते हैं जगह को, आपने क्या करना है इसको, आपने इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो दम देना है, 10 से 15 मिनट्स के लिए हम इसको दम दे देंगे, और आफ्टर 10 से 15 मिनट्स ये हमारी बिरयानी हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट। और हमने कितनी जल्दी आज बिरयानी बनाई, वाइट बिरयानी बनाई, और बहुत मज़ेदार बनेगी। ज़रूर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, और स्पेशली ये रेसिपी दावत में भी बनाएं, बहुत अच्छा रहता है, मेहमानों को पसंद आती है, और मुझे भी जो है ना पर्सनली जो हम कराची वाली बिरयानी, बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, उन सारी बिरयानियों से अच्छी है वाइट बिरयानी लगती है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ अपने घर में। और मैंने सोचा कि मैं आज यही रेसिपी शेयर करूं, और मेरे सर ने भी आपको पता फरमाइश की थी, तो मैंने इसलिए ये बनाई आज रेसिपी। अच्छा 10 मिनट्स के लिए हम इसको देंगे दम, और साथ साथ हम इसको प्रेजेंट करेंगे एक प्लेट में, और प्लेट में यहाँ रख देती हूँ, और मैं इंतज़ार करूँगी कि हमारी जो बिरयानी है कुक्ड हो जाए, और फिर मैं इसको आपको इसका कलर दिखाऊँगी। और साथ साथ मैंने आपको ये बताना था कि वीनस HGTV का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि YouTube चैनल है, वहाँ जाकर भी हमारी रेसिपीज़ देख सकते हैं, और इसके अलावा इंजॉय कर सकते हैं, और फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे जाएं, अपने कमेंट्स छोड़ें। अच्छा एक आप लोग मेरी फैमिली के लाएंगे, तो मेरी फैमिली में से किसी ने मैसेज किया और उन्होंने पूछा कि जो है ना वो हेयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कि आजकल हम लोग कलर डाई ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाई ले लेते हैं बालों में, और हर कुछ मंथ्स बाद हम डाई लेते हैं, तो उससे क्या होता है हम एडिक्ट हो चुके हैं अब इन चीज़ों के ना। मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी एडिक्ट हो गई हूँ। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जब ऐसा हो, डाई हेयर हो हमारे और वो रफ़ हो जाएँ, तो उसकी क्या रेमेडी है, तो उसकी रेमेडी ये है कि आपने 2 बनाना लेने,
1 टेबल स्पून आपने हनी लेना है और उसके अंदर जो है विटामिन ई के हेयर वाले कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं स्टोर्स पे, मेडिकल स्टोर्स में मिल जाते हैं, कॉस्मेटिक शॉप से कोशिश करें कि आप इस तरह की जो कैप्सूल्स वाली चीज़ें होती हैं वो ना लें, क्योंकि वो लोकल भी आपको दे देते हैं और आप अगर ऑथेंटिक जगह से कोई चीज़ लेते हैं ना तो आपको ट्रस्ट होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसके हिसाब से फिर लिया करें। और उसको आपने दो बनाना लिए, आपने दो उसके अंदर कैप्सूल ले लिए विटामिन ई के, 1 टेबलस्पून आपने हनी लिया और हाफ लेमन लिया, इन सारी चीज़ों को मैश करें, मैश करके जो है ना आप एक पेस्ट सा बना लें और वो पेस्ट अपने बालों पे अप्लाई करें, अपनी रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लेंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो पूरा अप्लाई करें। उसके बाद आपने उसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दें, कोशिश करें आधा घंटा अपने बालों में लगा रहना, उसके बाद आधे घंटे बाद अपने बालों को वॉश कर लें और फिर देखें कि आपके बाल सुपर ग्लॉसी और शाइनी हो जाएंगे। अच्छा जी, ये दम आ रहा है इस पर और मैं अब जब मैंने इसको हल्का सा जैसे तेज़ आँच कर लिया है तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मिक्स करूँगी। तो हम इसको करते हैं मिक्स और मैं दिखा रही हूँ आपको, चावल मेरे 100% डन थे और ये रहे। हाई फ्लेम पे आप कर लें और फिर इसको मिक्स करें। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग हमेशा जो है ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बिरयानी की मिक्सिंग हो या जो है ना पुलाव की मिक्सिंग हो, आप थोड़े से वाइट चावल जो है ना रहने देते हैं, ठीक है, कलर के लिए। जब हम टॉप पे डालते हैं ना उसको तो उसका बहुत अच्छा सा एक कलर आता है। अच्छा जी, ये हो रहा है मिक्स और इसको हाई फ्लेम पर आपने रखना है। और मैं क्या कर रही हूँ, अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये वाइट वाले जो राइस है ना, ये इसके अंदर एक लेयर लगा रही हूँ। स्पून दूसरा ले लेती हूँ मैं, टेबल स्पून, इस तरह से मैं इसको बिठा रही हूँ। और उसके बाद जो मैं ये कलर वाले जो राइस हैं, ये वाले राइस इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो कवर कर देंगे, आँच मेरी थोड़ी सी तेज़ है ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो इसके अंदर रिमूव हो जाए। अच्छा जी, ये हमारी जगह यहाँ पे डन और ये मैं इस तरह से इसको कवर किया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसका टॉम निकाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, निकल गया बहुत अच्छे तरीके से। और साथ साथ जो है मैं थोड़ा सा इसके अंदर टॉप पर इसके मैं ये धनिया ऐड करूंगी और मिंट लीव्स डाल देंगे हम थोड़े से, ठीक है। ये धनिया पुदीना मैंने इसमें ऐड किया है, टॉम सा बना दिया है हमने एक। और अब मैं इस निकालूंगी इसकी जो मतलब ये देखेंगे, ये डन हो गया हमारा बिल्कुल मज़ेदार सा। और मैं इसको सेट करूंगी, जनाब तो हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन और मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल डन हो गई। एक ग्रीन चिली मैं सोची थी थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद ग्रीन कलर ऐड करेंगे। तो आज हमने बनाई है वाइट बिरयानी और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।